आपके सवाल काफी दिलचस्प है। अगर आपको वजीर बनने का मौका मिले तो कौन सी वजारत लेंगे? नेवर, आई एम हैप्पी टू बी जर्नलिस्ट। गुड। सहाफत में कौन सा सहाफी आपके मुश्किल वक्त में काम आएगा इनमें से, आउट ऑफ द वंस वी हैव? आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक, काशिफ अब्बासी, हामिद मीर। चारों आए कि मेरा काम, कोई एक आपको बहुत लगे कि टफ टाइम्स में आपके काम आएगा? मेरे ख्याल आमिर मतीन साहब करेंगे। एक ऐसी डिश, कोई खाने की चीज जो आप सारी जिंदगी के लिए खा सकते? दाल। किसी किस सियासी शख्सियत की जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे? मैं अपनी जिंदगी में बड़ा खुश हूँ, मुझे कोई इंस्पायर नहीं करता सियासी के उसके जिंदगी गुजारना, बड़ी टेरिबल लाइफ होती है उनकी। अगर टाइम मशीन मिल जाए आपको तो आप उसका इस्तेमाल करके सबसे पहला क्या काम करेंगे? मैं जो मेरे तमाम इतने प्यारे मेरे जिंदा थे, वो पेरेंट्स हूँ, मेरे दोस्त हूँ, तो मैं वो दोबारा उनको वापस लाने के लिए विल प्रेफर टू गो बैक टू टाइम्स। पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में अगर सहाफत करने का मौका मिले तो वो मुल्क कौन सा होगा? पाकिस्तान से कोई बेहतर मुल्क है और हो सकता है जहाँ पे सहाफत हो सकती है? दिस इज द बेस्ट कंट्री। राइट, आपका तो आपने आई थिंक यू हैव आंसर्ड एवरी क्वेश्चन। तो बल्कि इसके साथ ही मैं आई विल स्विच क्विकली टू द अदर गेम जो कि समझो, अभी आप कह रहे हैं कि हम ईद ही दे रही हैं। हाँ, बस ये आप इसको समझेंगे आपके रैपिड फायर का उन्हीं से आवाज़। हाँ, ये पहले से अच्छा, इस पे आप समझें कि इस पे कोई कदगन नहीं है, इसको हम किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों के नाम है, आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ट्रेट उस शख्स का बताना है। नेगेटिव ना पूछिए, ये ऐसे बुरा नहीं लगेगा। वी आर पासिंग जजमेंट्स ऑन द पीपल हु आर नॉट सिटिंग अराउंड। अच्छा लगेगा ये? नहीं, नॉट जजमेंट्स, मतलब जजमेंट नेगेटिव तो ना करें, नेगेटिव जब अच्छा अच्छा ही चले बयान कर सकते हैं, अच्छा ही नेगेटिव छोड़ सकती है वो, नेगेटिव छोड़ दें, ईद देना तो बुरा लगेगा। हां, समबडी डजंट हैपन टू बी अराउंड, एग्जैक्टली, इट विल बी मतलब इंडिसेंट। मेरे बारे में भी टीवी पे नेगेटिव बात कह रहा होगा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा ये। एज यू लाइक, आप अगर चाहें तो आप उसको स्किप कर दें, लेकिन आप ठीक है, आप उसको अगर पॉजिटिव बताना चाहें आप पॉजिटिव बता सकते हैं, लेकिन ये कि ये दिस इज अ गेम। हाँ, इट्स अ गेम और हमने ये खेला है पहले कई दफ़ा और हमें बहुत अच्छे आंसर्स मिले हैं, तो योर चॉइस। मेरा ख्याल है गवर्नर साहब इसमें शुरुआत का शर्फ हमारे गवर्नर साहब अपना हाथ छुपा रहे हैं जी। कई दफ़ा आपको पता है पॉजिटिव लोगों की बातें ज़्यादा बताना मुश्किल हो जाती हैं गिवन द पर्सन ऑन द चिट। वही नाम बताइए कि जो पर्ची पे। हाँ, ये भी एक वैसे अच्छा एक और पहलू ये भी है कि बहुत चंद लोग होते हैं जिनके साथ आपकी ऐसी होती है, जवाद ताल्लुक होता है कि जिनके बारे में आप, किसका नाम आया आप हमें आवाम को दिखाएं ताकि। जवाद अहमद साहब सिंगर है और मैं तो पहली दफ़ा इनकी पार्टी का नाम देखा। बराबरी पार्टी। हाँ, जवाद अहमद साहब इनकी पार्टी का नाम बराबरी पार्टी है। अच्छे सिंगर हैं ये कह सकते हैं। बस दैट्स द ओनली कमेंट। पॉलिटिक्स में है वो, मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। गुड। आपको नहीं पता था उनकी पार्टी है? नहीं, मुझे पता। अच्छा, पहली दफा पता चला, क्वाइट स्ट्रेंज। अलीना, अलीम खान साहब आई थिंक, और आप क्लासा साहब, इट कुड बी अ रिकमेंडेशन टू के उनको, आपको क्या लगता है चेंज करना चाहिए? आई थिंक अलीम खान साहब के, आपने एक सवाल बीच में किया था कि इमरान खान साहब की पार्टी या इमरान खान साहब ने कदर जिनकी नहीं की, आई थिंक बिलाल साहब से किया था। अलीम खान साहब इज वन ऑफ दोस पीपल। वैसे मेरे ख्याल में वो मुझे होते, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने पूछे ना सवाल, बड़े अच्छे सवाल आप पूछे आपने इनसे। मेरे ख्याल शफकत महमूद की उन्होंने कदर नहीं की क्योंकि वो सॉफ्ट था, वो लड़ाई बड़े झगड़े वाला बंदा नहीं था। आर्मी चीफ का आपने कहा, मेरा ख्याल है जितनी लाट गुजरी है 90s के बाद आनवर्ड, जहांगीर करामतवाज बेस्ट के उसने मार्शल आ नहीं लगाया, वो घर चला गया चुप करके। तो ये पीटीआई की अगर मुझे देखना तो मैं शफकत महमूद का कहूंगा कि एक सॉफ्ट पढ़ा लिखा। उन्होंने डेलिबरेटली कहा था कि मैं नाम नहीं, वैसे मेरे मतलब ज़हन में आ रही थी मोना साहब, मुझे ये इससे खासर साहब की बात से ये पता चला है कि वो वाले सवाल चाहते थे जो आपने उनसे पूछे, और मैं उनके सवाल सुनते हुए सोच रहा था काश ये सवाल मेरे हिस्से में आ जाते। बार अच्छे कुछ पहले पेपर आउट कर रही थी। नहीं, लेकिन अलीना इसमें राइट, यू मेड अ कमेंट अबाउट द जेंटलमैन, समथिंग पॉजिटिव समथिंग नेगेटिव, एक चीज़ जो आपको लगे कि समथिंग गुड अबाउट हिम, और नेगेटिव में ये कि आप चलें अगर आप कोई सजेस्टिव बात कहना। आई थिंक ही हैज़ द पोटेंशियल टू, मेरे ख्याल से वो जो कहते हैं ना डिवेलप एंड ट्रांसफॉर्म आपके उनकी इवन सोसाइटीज़ के भी लिहाज से, ही हैज़ नेचुरली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान, सो नेचुरली उनका एक पॉजिटिव साइड है। एंड इवन अगर मैं अपने भी गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से देखूँ तो देर आर फ्यू पीपल जो कि ये पोटेंशियल रखते हैं कि हु कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू पाकिस्तान बेटरमेंट, सो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। पॉलिटिक्स में अगेन वही बात है कि कोई तनकीदी बात या कोई डिसेंट या उनकी कोई चीज़ जो आपको लगे आपको पसंद नहीं है या एनी थिंग,
अलीम खान साहब को हम बड़ा प्रोएक्टिव इस गवर्नमेंट के सेटअप में देखना चाहते हैं, वो नहीं है जो कि वो नहीं नजर आते उस तरह से कि प्राइवेटाइजेशन के इवन मिनिस्टर हो के वो थोड़ा लगता है कि जरा खामोश हैं, उनको ज्यादा मेरे ख्याल से वो मुतहर्रिक होने की जरूरत है, फोर फ्रंट पे होने की जरूरत है, वो पोटेंशियल जरूर रखते हैं इस चीज़। वेरी फेयर।